नहीं, उस पर लंबा विषय होगा उस बात करने का, लेकिन आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन से पीड़ित हैं, उनकी व्यवस्थाओं से बहुत पीड़ा में करा रहे हैं, और उनकी सबकी आशाएं एक ही नाम है, वो नाम है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के माध्यम से लोग इस सरकार को जमींदोज करने के लिए उतावले बैठे हैं और अपना निर्णय 23 फरवरी को लेंगे। तो क्या लगता है पंजा छोड़ करके आप सपा में साइकिल पर, साइकिल इस बार पार होगी? साइकिल अब पार हो रही है, आप साइकिल की रफ्तार नहीं देख रहे हैं? भगवान नगर में ये तो 10 मार्च को तय होगा कि साइकिल पंचर होती है कि पार होती है, ये तो तय होगा। भगवंत नगर और हम क्या बना बिगाड़ ले, भगवंत नगर में आपकी बनाने का तो तय हो चुका है 10 मार्च, ये तय है भगवंत नगर से अंकित परिहार इस बार विधायक बनेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रहे हैं, और उस बहुमत की सरकार में सबसे बड़ा योगदान अगर कोई विधानसभा देने जा रही है तो भगवंत नगर विधानसभा देने जा रही है, ये मैं आज आपको कह रहा हूँ, और 10 मार्च को फिर मैं आपसे एक सवाल, भगवंत नगर विधानसभा में पत्ता नहीं बीजेपी को लेकर किस तरह से देखते हैं आप? डर है हारने को लेकर कोई तैयार नहीं है, प्रत्याशी उनके बुलाते हैं, प्रत्याशी से कहते हैं कि लड़ो, तो प्रत्याशी हाथ जोड़ के चला जाता है कि मैं डर हारने के लिए चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हूँ। जिस तरह की वहाँ पे उन्होंने जो लूट खसोट, जो लोगों को पीड़ा देने का काम किया, हिम्मत नहीं पड़ रही है, देख रहे हैं पूरे प्रदेश में विधायकों की क्या हालत है, अब वहाँ हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं लोग जाने की, तो आगे आने वाली परिस्थितियाँ आप समझ रहे हैं क्या हो सकता है? आपने देखा अंकित परिहार ने कहा है कि जो प्रत्याशी है वो डर रहा है इसीलिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। सुजीत आपको क्या लग रहा है कि जो अंकित परिहार ने कहा है कि सच ऐसा है कि बीजेपी डर रही है वो अपना प्रत्याशी उतारने से? ऐसा नहीं है, बीजेपी की अपनी कोई एक रणनीति होगी जिसके कारण जो है अभी भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा भगवंत नगर से उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। नहीं, तो, क्या वजह, ऐसी क्या खास वजह है कि अभी तक पार्टी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि वो भगवंत नगर से कौन उतारेगा या कौन, इतने कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है क्या? संभवतः आशुतोष शुक्ला जी के ज्यादा चांसेस हैं उतारने में, लेकिन अभी उन्होंने खोला नहीं है, तो जरूर कुछ ना कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी का लग रहा है कि जिस तरह से ये है पार्टी में उठापटक चल रही है। जी क्या कह रहे हैं? जी बताएं। मैं कह रहा था मैंने कहा पार्टी में, हाँ, जिस तरह से अंकित परिहार ने खुली चुनौती दी है कि पार्टी बीजेपी के लोग डर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इस बार वो भगवंत नगर सीट हार रहे, तो उनका कॉन्फिडेंस तो बहुत तगड़ा है। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी सच में डर रही है जिसलिए नहीं उतार रही है? नहीं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ राहुल जी की, ऐसा नहीं है यहाँ पे, ऐसा पार्टी में जो दावेदार है वो कद्दावर है। मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था कि मैं जहां तक देख पा रहा हूँ कि उसमें कद्दावर नेता लगे हुए हैं जिनके हर कहीं ना कहीं पर से वो जनता से जुड़े हैं या संपन्न व्यक्ति हैं, सामाजिक स्तर उनका अच्छा है या राजनीतिक पकड़ अच्छी है या राजनीतिक लोग भी हो सकते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं पार्टी ये नहीं निकाल पा रही निर्णय की, और जहां तक मैं अब समझ पा रहा हूं कि किसको टिकट दिया जाए, उसके बाद वो शायद ये समीकरण उनका है कि इतनी नजदीक जाके जिसमें नामांकन तारीख जिस समय खत्म होती है नामांकन के आखिरी दिन के थोड़ा सा पहले भी बीजेपी अपना पत्ता खोल सकती है जिससे कि कोई बागी न हो पाए, किसी पार्टी को ज्वाइन न कर पाए, उसकी बीजेपी रहना मजबूरी हो जाए। गोविंद आपको क्या लग रहा है कि भगवंत नगर में, आप तो भगवंत नगर के रहने वाले हैं, क्यों ऐसा मामला अटका पड़ा है? भाई हमको ऐसा सर्जी अटका हुआ है कि हमको ऐसा लगता है कि जो मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष और मौजूदा भगवंत नगर विधायक हृदय नारायण दीक्षित जी हैं वो अपने सुपुत्र के टिकट को खोल रखी। अच्छा, मतलब सुपुत्र को उतारना चाह रहे हैं? जी। तो उसकी उनके मतलब क्या इस वजह से क्या वो थोड़ा क्लैश हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से ये अभी फाइनल नहीं किया जा रहा कि किसको दुखी किसको दिया जाए, किसको खुशी दी जाए? जी खुशी दी जाए। वैसे बीजेपी की नीति रही है, जैसा कि अंकित जी ने बाइट में दिया है कि बीजेपी वाले डर रहे हैं, तो डरने वाली बात नहीं है। ये पक्ष विपक्ष को ऐसा ये लोग कहते हैं कि डर रहे हैं, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं, कारण बस यही है। अब तक भारतीय जनता पार्टी को अपना कैंडिडेट उतार देना चाहिए जिससे कि आम जनमानस में लोग घूम लेते और थोड़ा सा उनका कुछ अलग माहौल बन जाता। अच्छा अंकित आपको क्या लग रहा है, आप भी वही करीबी है, आपके हिसाब से क्या माहौल चल रहा है भगवंत नगर का?
उसमें आदरणीय दीक्षित जी अपने सुपुत्र के लिए अरुण दीक्षित के लिए लगे हुए हैं, इसलिए वहां की टिकट कंफर्म नहीं हो रही है। मतलब हृदयनारायण दीक्षित का इतना जोर है कि पूरी बीजेपी उसके नीचे दबी हुई पड़ी है कि हम टिकट ना इनको कैसे मना करें। वो हमारे यहाँ भगवान नगर से मौजूदा विधायक थे, विधानसभा अध्यक्ष थे, तो उनकी बात इतना कोई... ही वो है तो उनको टिकट क्यों नहीं दे दिया जा रहा, उनके बेटे को टिकट दे दीजिए। देखिए वर्चस्व पार्टी नहीं देखती है, वर्चस्व की बहुत बड़ा है तो उसको पार्टी देगी। जहां तक मैं सोच पा रहा हूं कि जब तक पार्टी अपने स्तर से सोच नहीं लेगी, निर्णय नहीं लेगी, तब तक कोई सीट क्लियर नहीं करेगी और किसी का दबाव भी उस इस बीजेपी सरकार में मेरे ख्याल से पड़ने वाला नहीं है। तो नहीं, मेरा कहना ये है कि अगर उनके जो बेटे हैं वो इतने अच्छे नेता हैं जिस हिसाब से वो कह रहे हैं, तो उनको टिकट देने में क्या समस्या, क्या बीजेपी को, बीजेपी क्यों नहीं टिकट प्रदान कर रही है? अभी तक कई नेताओं के बेटों को टिकट दी गई है, तो हृदयनारायण दीक्षित को भी बेटे को टिकट दे दीजिए, कौन सी नई बात है? लेकिन अगर पहले वो टिकट दे देते हैं तो जो उसमें लगे हुए हैं तो वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। अब दूसरे पार्टी वालों ने दे दिया है तो अब वो जल्द ही उतारेंगे। अब 3 फरवरी तक देखिए नामांकन की डेट है, आज 29 तारीख हो गई है, मात्र 4 दिन बचे हैं। तो 4 दिन बाद ये जो 9 का बहुत बड़ा रहस्य है, इससे पर्दा उठ जाएगा कि कौन बनेगा भगवंत का, भगवंत नगर का बीजेपी प्रत्याशी। चलिए हम चलते हैं उन्नाव सदर की तरफ। उन्नाव सदर से जो अभिनव कुमार, आज उन्होंने भी अपना नामांकन किया है। उन्होंने एक बड़ा दावा किया कि हम जब से हमारे पिताजी जब विधायक थे तो बहुत क्षेत्र में काम होता था, लेकिन जब से वो हट गए हैं, बीजेपी की सरकार आई है, पूरा उन्नाव सदर की जो क्षेत्र है वो पूरा खराब हो गया, विकास रुक गया है। उन्होंने सबसे पहले हम सुना देते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, उसके बाद हम आगे की बातचीत करते हैं। तो देखिए क्या कहा उन्होंने। रोजगार, नौजवानों को रोजगार मिले, विकास हो, विकास हर चीज़ में, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, हर एक चीज़ में विकास होना चाहिए। आप इस बार अभी जब से मेरे पिताजी का देहांत हुआ, आप देख रहे हैं उन्नाव में विकास रुक सा गया है। इसी का विकास को बढ़ाने के लिए आने वाली 10 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश, वो राष्ट्र अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और विकास चालू होगा। अच्छा, तो अभी आपका राजनीतिक जो पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी रही है जी, और इस समय 2 बार के यहाँ के विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी के पंकज गुप्ता जी, क्या आप उनको उनकी किस परिप्रेक्ष्य में आप उनके सामने खड़े हो, किस तरह क्या माहौल? मैंने आपको बताया तो मेन मुद्दा हमारा रोजगार और विकास है, और किसानों के साथ जो आप देख रहे हैं जानवरों की उनको सबसे ज्यादा समस्या है, उस पर हम काम कर रहे हैं। कितनी सीटें ला रहे हैं इस बार? हमारा पूरा प्रयास है कि 6 में से 6 समाजवादी पार्टी बने। समाजवादी पार्टी की सरकार बन नहीं गया जी, आप जैसा देख रहे हैं जनता के अंदर जो आक्रोश है, जो माननीय राष्ट्रपति के लिए जो प्रेम है, वो आपको खुद दिखाई दे रहा है। अभिनव कुमार ने कहा है कि मेरा हमारा जो मुख्य मुद्दा रहेगा चुनाव लड़ने का रहेगा वो विकास और रोजगार। अजय जी, आप उन्नाव में सदन में ही हैं, आपको क्या लग रहा है कि अभिनव कुमार किस तरह से पंकज गुप्ता को टक्कर दे पाएंगे? पंकज गुप्ता बहुत लोकप्रिय नेता हैं इस समय। हाँ, ये बात सही है, और सत्ता पक्ष भी है, दबाव भी है और हर तरीके से, लेकिन राहुल जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि विकास के हिसाब से जो मुद्दा उठाया जा रहा है, अभिनव जी ने जो कहा कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये चरितार्थ होता है कि क्या लोकनगर की रोड देख लीजिए, थोड़ा सा बहुत ही डैमेज है और काफी दिन से कई एप्लीकेशन वगैरह दे चुके हैं और उसी गली में ही सभासद है वहां का, लेकिन उसके बावजूद वहां का काम नहीं हुआ अभी तक। तो ऐसे करके लोग रुष्ट हैं, कहीं ना कहीं तो ये जाएंगे कहां, उनके लिए ऑप्शन बचता है सपा, तो इसलिए सपा को कमजोर आंकना ये गलत होगा। हालांकि बीच में बड़े अच्छे कार्यक्रम और बड़ा खर्चा पंकज गुप्ता ने किया, और व्यक्तिगत रूप से पंकज गुप्ता बहुत अच्छे स्वभाव के हिसाब से जाने जाते हैं और अच्छी पकड़ है, ये भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनके अपोजिट हैं, जो विकास के कार्य से नाराज हैं, तो वो लोग इनसे खिलाफ जा सके, सपा नहीं जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ गया है जिसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, खैर अभी जल्दी ही से जुड़ेंगे। बात ये है कि आजाद सुजीत धानुक, आप भी उन्नाव अक्सर आते जाते रहते होंगे, आपको कैसा विकास लग रहा है उन्नाव सदर? आप इतने सालों से आ जा रहे हैं, आपको लगता है कुछ बदलाव हुआ है पिछले 5 सालों में उन्नाव सदर?
जी बदलाव हुआ है, बहुत सारा बदलाव हुआ है, लेकिन बदलाव के साथ साथ कुछ जो कमियां रह गई हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी उनको देखना चाहिए था। जैसे कि जैसे ही बरसात ज्यादा हो जाती है वैसे ही उन्नाव में पूरी तरीके से जल भराव हो जाता है, तो वहां पे समस्या सबसे ज्यादा जल भराव की है। जल भराव के साथ साथ कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनका जिनकी रास्ता बहुत खराब है, आए दिन वहां पर आए दिन दुर्घटना घटती रहती है जिससे कि वहां का जो आम जनमानस है वो बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो जल भराव की वहां सबसे ज्यादा समस्या होगी। गोविंद आपको क्या लग रहा है, क्या स्थिति है? जी जैसा कि देखिए जो पंकज गुप्ता विधायक है, सदर विधायक है, इनको यहीं से झटका लग सकता है जो जल भराव के कारण, कि जल भराव में बहुत लोगों को दिक्कतियां होती है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत लग सकता है। मुझे जैसा लगता है, मैं भी देखो उन्नाव का ही रहने वाला हूँ, और जब उन्नाव आओ जाओ तो उन्नाव की मुख्य सड़कें तो बहुत बढ़िया हैं। अब बीजेपी ने एक योजना लागू की अमृत योजना, जिसके तहत उनका था कि घर घर पानी पहुंचाया जाए, और उन्होंने क्या उनकी उस योजना के तहत अच्छे काम के लिए किया गया था कि हर मोहल्ले की सड़क में पाइपलाइन डाला गया, तो उस रोड को खोदा गया, रोड खोदा गया, पाइप डाल दिया गया। अब जो पाइप डाल दिया गया उसके बाद आगे काम हुआ नहीं, ना पानी मिला और जो रोड था वो भी ध्वस्त हो गया। अगर पाइप डाले गए थे तो रोड बनाना भी दोबारा चाहिए था कि हाँ भाई रोड बना दी जाए, वैसा कुछ नहीं हुआ। तो एक योजना तो आज अच्छी योजना थी, वो योजना भी पूरी नहीं हो पाई, जो था वो भी लोगों के पास से छिन गया। तो लोग रोड के मामले में बहुत नाराज हैं। मैं भी ये देखता हूँ कि लोग कहते हैं पंकज गुप्ता हैं अच्छे, लेकिन जो छह रोड का मामला है बहुत गड़बड़ है। अजय आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं कह रहा था कि मैंने भी थोड़ा सा सर्वे किया है आउटर का, इंटीरियर का थोड़ा सा उन्नाव से सटे हुए का, तो ये काशीराम कॉलोनी पड़ती है, तो काशीराम कॉलोनी बसपा गवर्नमेंट पे यहाँ बनाया था, करोड़ों रुपए इसमें खर्चा हुआ था। वहाँ की दशा दुशा इतनी खराब है, जैसा कि मैं वहां गया तो लोगों ने बड़ी शिकायत करी और खबर भी निकाली गई थी, कुछ पत्रकारों ने निकाला था कि उसमें कि वहाँ की गंदगी बहुत ज्यादा है, वहाँ कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, कोई पुताई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसके साथ ही जो नई कॉलोनियां जो जहाँ पे जो नए प्लांटिंग लगा हुई है सटी हुए बिल्कुल काशीराम कॉलोनी से है, वहाँ की विकास की दशा देखें तो वहाँ बिजली के लोग तड़प रहे हैं, जो अपने प्लांट तो खरीद लिए हैं, उसके बाद वहाँ कनेक्शन के लिए जो है वहाँ पे बिजली है कुछ नहीं, लेकिन छोटा ट्रांसफार्मर रखा है। उसमें लोग क्या करते हैं कि अब ये लोग अप्लाई किए हुए हैं, वो जेई कहता है कि 1.5 लाख रुपए दो, 1.5 लाख रुपए दोगे तो आपको जो है नया आपका दिया गया बड़ा। लेकिन मैं ये एक चीज ये समझ आ रहा है कि जब वो 1.5 लाख रुपए कंज्यूमर दे रहा है, उपभोक्ता दे रहा है, उस 1.5 लाख रुपए से तो तुरंत आ जाता है, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि ऐसे 1.5 लाख बगैर नहीं आपको नहीं मिल सकता, उसको जब लगेगा तब लगेगा, तो ये कैश में कहां से जाता है जब? तो ऐसे सारी बहुत दिक्कतें हैं, लोग परेशान हैं, तो ये लोग कहीं ना कहीं तो जाएंगे। अगर चलिए आप आते हैं उन्नाव की सबसे हॉट सीट पूर्वा पे, आजा सुजीत का क्षेत्र है, ग्रह क्षेत्र है, और जैसे ही पूर्वा का नाम लो तो अपने आप सबके चेहरे पे थोड़ा मुस्कुराहट आ जाती है। क्या आजाद इसकी आजाद सुजीत अनु, क्या इसकी वजह क्या है, क्यों लोग इतना पूर्वा के ऊपर इतना फोकस क्यों है मामला? पूर्वा एक राजनीतिक गढ़ है, यहाँ से ज्यादातर हम देखते हैं कि हमारे उन्नाव जनपद में जो सबसे हॉट सीट है, जिसे हम लोग 167 विधानसभा पूर्वा के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ की सीट ऐसा है कि यहाँ से राजनीति एक प्रकार से चालू होती है। और राजनीति पूर्वा का जो मुख्य मार्ग है, जहाँ पूर्वा तहसील है वो एक मुख्य मार्ग है, और वहां से राजनीति अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ती है। तो जिस प्रकार आज जैसे कि डॉक्टर शकील जो रहे बसपा प्रत्याशी रहे, आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अच्छा, और अनिल सिंह लगातार जन लोगों में घूम रहे हैं, और समाजवादी के जो बसपा के नेता थे डॉक्टर शकील, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो मतलब ये तो एक तरह से अनिल सिंह के लिए क्लियर हो गया रास्ता, पूरा खत्म ही हो गया फिर तो। जी कल उत्तम चंद लोधी भी शामिल हो गए हैं। हाँ, नहीं डॉक्टर शकील का अपना भी एक वोट बैंक तो होगा ही उनका, नहीं कुछ तो फर्क डालेंगे ही, तो जो कि होता है कि अक्सर माना जाता है कि बीजेपी से दूर रहता है, तो जब डॉक्टर शकील लोगों का मानना है कि डॉक्टर शकील के जाने से कोई समस्या नहीं खड़ी हो सकती है, मतलब समाजवादी पार्टी को कोई समस्या, जो मुस्लिम वोटर है वो बीजेपी के साथ नहीं आएगा भले डॉक्टर शकील आ गए हों। जी जी लोगों का मानना है। अजय जी आपको क्या लग रहा है, पूर्वा में क्या चल रहा है, इतना घमासान क्या से क्या होगा?
पूर्वा में देखिए जिस हिसाब से जुड़ाव बढ़ रहा है, पार्टी एकजुट हो रही है, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, किसी भी पार्टी के हों, तो जैसे कि समय बहुत कम रह गया है, 23 फरवरी का चुनाव है चौथे चरण में अपने यहाँ, तो ऐसे में अभी जो समय बचा है उसमें बिल्कुल इकट्ठे होने का समय है, तो सभी पार्टियां पूरी तरह से एकजुट हैं और काम कर रही हैं। ना बीजेपी कम है और ना सपा कम है, दोनों को कम आंकना ठीक नहीं है, कांटे की टक्कर मेरे हिसाब से होनी चाहिए। अंकित आपको क्या लग रहा है, क्या चल रहा है पूर्वा का, क्या माहौल है? माहौल ठीक है सर, बीजेपी है ज्यादा है सर यहाँ, और जो शकील आज, जी सर, जो शकील आज भाजपा में शामिल है वो दो बार पंचायत जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। हाँ तो सर इससे फर्क पड़ेगा, तो वोट बैंक तो उनका भी पास भी होगा, और बीजेपी ने लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, कुछ तो फायदा मिलेगा। जी सर इससे फायदा बीजेपी को मिलेगा। गोविंद आपको क्या लग रहा है, भगवत नगर और पूर्वा दो ही ऐसे हैं जहां मामला बड़ा पेचीदा फंसा हुआ पड़ा है? पूर्वा का साथ पूरा साथ साथ सर्जी दिखाई दे रहा है कि अनिल सिंह की सीट क्लियर हो गई है। पूर्वा में एक तरीके से एक तरफा मामला हो रहा है, एक तरफा मामला हो रहा है, जयराज यादव अकेले है और ये तीन लोग एक साथ में हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं से इनको प्राप्त जरूर होगा अनिल सिंह जी को। पहले जिस प्रकार जो सफाइयों का आरोप है, जिस प्रकार की 3 करोड़ रुपए लेकर जो है जो लोधी समाज, जो हमारे क्षेत्र का जो लोधी बाहुल्य है, उनको 3 करोड़ में भारतीय जनता पार्टी के हाथों बेच दिया गया, इससे काफी जनता में नाराज है। मतलब काफी जो लोग हैं उनके में किसके लिए नाराजगी, उत्तम चंद के लिए कि अनिल सिंह के लिए? उत्तम चंद जी के लिए नाराज है, तो किसी का माइक या फोन बज रहा है वो देखो, किसी का माइक या वो बज रहा है साथ में माइक, या उसको दूर रखो अपने पास से। चलिए कोई बात नहीं, वो डिस्टरबेंस थोड़ा सा हो रहा था, अब ठीक है, अभी भी आ रहा है, किसी का फोन है पास में। अच्छा मैं कह रहा था कि अभी कोई फोन ऑन किए हुए है, किसी का फोन तो पास आस नहीं है, या किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने पास रखे हुआ है, थोड़ा सा वो गड़बड़ कर रहा है डेस्कटॉप ऑडियो में। ईयरफोन सभी लोग लगाए हुए ना, फिर ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते जो उत्तम चंद का मामला है, उत्तम चंद जुड़ गए हैं और हम उसको कोशिश करते हैं कि हम उस बाइक को सुना दे लोगों को जो अनिल सिंह उत्तम चंद ने कहा था। पहली बात तो एक बात जान लीजिए, वो पार्टी सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हाँ अब आप लिस्ट उठा के देखो कहीं का टिकट मिला है, 80% कहीं का टिकट है, वहाँ मुंह न खुलवाओ देख लियो जाके, वहाँ सम्मान भाई का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आप समझो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है, और एजेंडा ये है आपका कि पूर्वा का विकास हो, ये एजेंडा है महत्वपूर्ण ये रखता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, क्यों कर, हम तो बीएसपी से आए हैं, तो भैया तो घर फिर वापस आए हैं, हम तो सीधे बीएसपी से आए हैं, क्यों, विचारधारा मिलती है हमको, इस पूर्वा को ऊंचाइयों पर ले चलना है, तो आप बताइए, तो इसलिए जब जहाँ विचारधारा मिलेगी अपने आप दोस्ती हो जाएगी, इसलिए आप सब बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कि अच्छा उत्तम चंद आ गए हैं, जुड़ गए हैं, अब क्या माहौल है उत्तम चंद अनिल सिंह का, इससे क्या कितना फायदा होगा? सुजीत आप पूर्वा में ही हैं, आप वहां आप थे जब एक दोनों लोगों ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो आपके हिसाब से क्या किस अनिल सिंह को किस तरह से फायदा होगा इसमें? अनिल सिंह का काफी सारा फायदा होगा, जो लोधी बाहुल्य है हमारे क्षेत्र में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा। नहीं तो क्या उत्तम चंद के आने से वो लोधी बहुल जुड़ जाएगा? जी संभवतः। तो फिर आप तो कह रहे कि उनका लोगों का उनके पर से थोड़ा सा विश्वास उठा, तो फिर क्या विश्वास उठा? जो सर ये विरोधियों का कहना है सर, जो सफाइयों का होगा, पार्टी के लोग भी वो अपना आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि भाई अगर
लोग अगर उनके साथ अभी भी हैं तो उनका कोई नुकसान नहीं, उन्होंने सही फैसला किया है, क्योंकि सपा के साथ उनका कोई वो भविष्य था नहीं, तो उन्होंने कर लिया कि बीजेपी में आ गए हैं, उनको लग रहा है कि बीजेपी चांसेस जीतने के हैं, तो कम से कम 5 साल सत्ता के सहयोगी तो बने रह सकते हैं। विरोध में जाने से तो यही अच्छा है कि सहयोग में बने रहें। जी बिल्कुल, ये सर लोधी समाज और नाराज है, जो उत्तम चंद्र को टिकट नहीं मिली इससे भी लोधी समाज नाराज है। हाँ, तो काफी नाराज है और लोग बता, यहाँ तक यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि जो समाजवादी पार्टी है ये जातिगत पार्टी है, जाति को देखते हुए यहाँ पर जो है और टिकट दिया है। इस पूरे चुनाव लगातार जिसको देखो वो जुड़कर बीजेपी के साथ चला रहा है, वो उदय राज के अकेले पड़ जाएंगे क्या, अकेले लड़ेंगे? ऐसा नहीं, चुनाव काफी तेजी के साथ है, ऐसा है कि बराबर बराबर पे 40-40% दोनों लोगों का चुनाव लगभग बराबर है और 10% लोग कुछ ऐसे हैं जो कि बीचों बीच पैर खड़े हैं, जिस दिन कुछ जो भी सुनेंगे वो 10% लोग एक तरफ गिर जाएंगे, वही उसी की जीत होगी। अभी विनोद दीक्षित जो है, विनोद त्रिपाठी जो है, जो बसपा से उनको प्रत्याशी घोषित किया गया है, वो भी लगातार जनता में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अपना वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं। जबकि बसपा को अमूमन माना जाता है कि जो लोअर वोट है उसका पूरा सपोर्ट करता है, तो अब लोधी समाज जो है वो उत्तम चंद से अगर नाराज होगा तो वो सपोर्ट में जा सकता है बीएसपी के। आपको लगता है ऐसा हो सकता है अजय? आपको लग रहा है ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, कतई नहीं लग रहा, कतई नहीं लग रहा है, इसलिए कि बीएसपी में नहीं जाएगा, बीएसपी का वोट जो है वो सपा को मिलेगा जाकर। अच्छा, एक ये भी बात है कि बीएसपी सपा को मिले ना, मान चुके हैं आप कि बीएसपी नहीं है, ये ऐसा कई बार हुआ है कि बीएसपी को कमजोर समझ रहे थे जो लोग, वो दो बार जो है ऐसे जीत चुकी है बीएसपी। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसमें सैनी सिंह आए, जिस समय काफी ज्यादा जो है माहौल बहुत गर्म था, जिसमें मोदी एक पूरी तरीके से लहर चल रही थी, उस समय अनिल सिंह जो थे वो बहुजन समाज पार्टी से आए और लड़े, लोगों के बीच में रहे, जबकि वहां पर लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में थी, लेकिन अचानक से जो है बसपा ने गेम बदला निकाला। आप सब हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब समय समाप्त हो रहा है तो हम लोग भी अपना समाप्त करते हैं, आप सब भी अपने अपने क्षेत्र में और जाएं और खबरें निकालें, ताकि हम दिन भर की अपडेट दें। दिन भर अपडेट यही है, ज्यादातर लोगों ने भी सपा के कार्यकर्ताओं ने नामांकन किया है और कल क्या होगा कल के हम चर्चा करेंगे, तो कल भी आप हमारे साथ इसी वक्त जुड़ेगा 7 बजे के समय। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद।